बस अभी आधे गेस्ट आ चुके हैं, आधे गेस्ट बाकी हैं। भाभी आ चुकी हैं, मेरी चच्ची सास हैं, चच्ची सास कहते हैं ना, चच्ची सास हैं, और भाभी हैं, भाई भी आ गए हैं। फ़ैन की आवाज़ जो है ज़रा ज़्यादा हो रही है, बस हम लोग यहीं बैठकर वेट कर रहे हैं। चाचा ससुर जो है मेरे वो बाहर हैं, सर्वर के चाचा चाची हैं, समझ ही गए होंगे आप लोग, तो वो बाहर बैठे हैं। बस जिनकी दावत है अभी उनका वेट हो रहा है, वो गाय में बस वो आ जाए तो फिर इंशाल्लाह फिर हम डिनर वगैरह का एहतमाम करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे का ब्लॉग शेयर करूँगी। एक बात आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँ, वो ये है कि अब जो है ज़ाहिर बात है मेहमान और ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर मैं उनकी मेज़बानी में लग जाऊंगी, ज़ाहिर बात है डिनर का अहतमाम वगैरह करूंगी। तो फिर वीडियो जो है मतलब व्लॉग जो है आगे का वो तनिशा बनाएगी, कभी शाजीम बनाएगा, कभी अजवा बनाएगी, तो बल्कि ज़्यादा से मेरे साथ काम में ही लगी हुई होगी, नज़र आएगा आपको वीडियो में। तनिशा और शाजीम इन दोनों से ही मैंने कहा हुआ था कि आप लोग जो है बेटा व्लॉग बनाना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे वीडियो हिलती जुलती नज़र आएगी, तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि बच्चे हैं, इनको इतना ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं किस तरह से शूट करते हैं व्लॉग, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, तो ये तो फिर छोटे बच्चे हैं, तो बस इस चीज़ को इग्नोर कर देना और बस इन्जॉय करो व्लॉग को। यहाँ माशाल्लाह आ चुके हैं जिनका इंतज़ार था, भाभी बैठी हैं और वो भाभी की समधन है, मतलब भतीजी की सास हैं, ये भतीजा है, जेठ का बेटा है, और माशाल्लाह ये पर्पल कपड़ों में जो है ये दुल्हन है, मुस्कान है भतीजी मेरी, ये उसकी नंद है ग्रीन कपड़ों में, ये अजवा सबको पानी पिला रही हैं, और माशाल्लाह सब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। डिनर की बात की भी काफ़ी सारी फुटेजेज़ हैं, तो वो जो है मैंने सबको दारी में दुल्हन में दुल्हन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसकी खुशियों को सलामत रखे, और बहुत इंजॉय किया। बस व्लॉग आप देखते जाओ, बाकी अंदर जो हैं भाई हैं, चचा हैं, और दामाद है हमारा माशाल्लाह से, और उसामा भी अंदर ही था अभी, बाहर आके बैठा सबके साथ, तो सब लोग अंदर बातें कर रहे हैं। बस अब डिनर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर आपको वो भी दिखाते हैं, सब बातें कर रहे हैं अंदर। बस अब डिनर का टाइम होने वाला है, तो सर्वर जो है अंदर वाली टेबल ला के बाहर रख देंगे, ताकि एक साथ डिनर हम लोग पूरा कर सकें। तो यहाँ पर जो है ये जो है मैं बर्तनों में एक बार साफ़ कपड़ा भी लगा रही हूँ, और ताकि डाइनिंग टेबल पर मतलब टेबल पर जो है अब सर्व कर सकें, बर्तन वगैरह रख रही हूँ, और बस सब खाने का इंतजाम कर रहे हैं। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ थोड़ा बहुत हिलेगी जुलेगी वीडियो, आप लोगों ने बस इन्जॉय करना है वीडियो को, क्योंकि तनिशा बना रही है इस वक्त, शाजीम भी माशाल्लाह काम में लग गया था, भाभी भी खड़ी हो गई थी साथ, और ये सब कुछ फटाफट से जो है जैसे खान लगाया, और ये देखिए ये तनिशा ही बना रही है साथ साथ वीडियो, इसी वजह से जो है ये अब छोटी है, मैं तो बिल्कुल ही दिमाग मेरा लग गया था कि बस जल्दी जल्दी से डिनर लगाना है, तो उसको मैंने कह दिया था वो जिस तरह से भी बना रही है, बस आप लोग अब देखते जाओ। बाकी ये है कि मैं किसी चीज़ को साफ़ कपड़ा जो है उससे क्लीन करती जा रही हूँ, और अब फटाफट से सामान लगाएंगे। ये बैठे हैं दामाद हैं, बड़ी जेठ हैं, चचा ससुर बैठे हैं, यहाँ भाभी भी खड़ी हो गई थी, और सबको हम बिठा रहे हैं। सर्वर ने जो है डाइनिंग टेबल की चेयर्स भी, और बाहर की जो डाइनिंग टेबल है उसकी चेयर भी सर्वर ने जो है यहाँ पे लगा दी, ताकि इजीली सब बैठ सकें, और ये अच्छा हो गया था कि दोनों टेबल को साथ में ला दी थी, तो एक बड़ा टेबल बन गया था। बाकी यहाँ जो है बस सब खाना लग रहा है, जैसे कि नज़र आ रहा होगा सर्वर भी खाना लगा रहे हैं, और आपको पता ही है माशाल्लाह सर्वर बहुत कोऑपरेटिव है, मेरे शाना बशाना खड़े रहते हैं हर चीज़ में, हर मुकाम में, कोई भी चीज़ हो कोई भी काम हो ये मेरे साथ होते हैं, तो इसलिए मुझे जो है मेरी सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की होती है हर चीज़ में। वह आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह मैं वहाँ से देती जा रही हूँ खाना लगा, भाभी तो खड़ी हुई थी, मैंने भाभी को ज़बरदस्ती बिठाया, भाभी आप बैठ जाएं, सारी बातें उनके समधन है सब है, मैंने कहा आप यहाँ पर सबको सर्व करें, क्योंकि मैं किचन में हूँ, तो ये काम मैंने भाभी को सपोर्ट किया था कि आप यहाँ पर सबको देखें कि सब सही से ले पा रहे हैं खाना सही से अच्छे से, और माशाल्लाह सबको बहुत मज़ा आया, सब ने इन्जॉय किया, जाते वक्त सबके चेहरों पर खुशी थी, और सब ने यही कहा कि बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी दावत थी, तो बस वही जो है मेरी मेहनत वसूल हो गई थी। ये माशाल्लाह दामाद भी आ गए हमारे, और वही मेहनत इंसान की वसूल हो जाती है कि चलो जी मेज़बानी अच्छे से हो गई है, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और माशाल्लाह जिनके घरों में मेहमान आते जाते रहते हैं तो उनके जो दस्तरखान है वो भी खानों से भरे रहते हैं, और माशाल्लाह तो हमारा इस्लाम तो कहता ही यही है कि मेहमानदारी करो, तोहफ़े तहाइफ दो, हदीस नबवी भी है ये,
तो खैर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, और जैसा कि वीडियो है तनिषा बना रही है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कभी कुछ कभी कुछ, जल्दी जल्दी कैमरा मूव कर रही है इधर से उधर, लेकिन माशाल्लाह उसने मेरी हेल्प की तो मैं वीडियो में भी उसको कहूँगी थैंक यू तनिषा। मुस्कान तारीफ करिए अपनी चाची के खाने की। थैंक यू। अगर ग्लास रखे मैंने, लेकिन ट्रे में जगह है, ट्रे ले आओ शनि पूरी यहाँ पे, ट्रे ले आओ, ट्रे ग्लास की ना खोलो। तो यहाँ पर अब जो है मीठे का दौर शुरू हुआ, तो मैं आइसक्रीम कट कर रही हूँ, अभी तकरीबन सब खा चुके हैं खाना, तो मैं फटाफट से आइसक्रीम जो है कट करके और वहाँ जो है सर्व करूँगी साथ में ही, और ये देख सकते हैं आप, तो ये जो है सही रहती है। वैसे तो स्कूप वाला स्पून भी है मेरे पास जो टब में आता है, तो स्कूप के हेल्प से उसको निकालना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने जो है यही मुझे सबसे बेस्ट लगती है कि इसमें जो ना पीस इक्वल कट हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो बीच में जो रखी है ये स्टोन चॉकलेट्स हैं जो पत्थर लगते हैं, एक और ये में अक्सर आपने देखे होंगे कलरफुल जो स्टोन्स होते हैं, तो ये उस तरह की है, ऐसा लगता है कि स्टोन्स हैं। ये मैंने टॉपिंग के लिए रख दिए थे कि जिसका दिल चाहे वो टॉपिंग करे और दिल ना चाहे तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं। और लव बर्ड्स बैठे हुए और माशाल्लाह माशाल्लाह नजर बस से बच्चा है इनकी जोड़ी को, भाई भाभी बाहर बैठे हैं और ये इनकी समधन और मुस्कान और इनकी नंद बैठे हैं, अल्लाह पाक खुश रखे हमेशा। यहाँ भाई भाभी बैठे हैं तो मैंने वीडियो बनाई, काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करें इनकी, और माशाल्लाह सब के चारों से पता चल रहा होगा कि सब बहुत खुश हैं। और अब अंदर दिखाऊं तो भाई अंदर आकर वापस बैठ गए हैं, दामाद बैठा है, ये लोग बातें चल रही हैं, आपको पता है जैसे लेडीज़ की बातें ख़त्म नहीं होती सर, जेंट्स की बातें भी ख़त्म नहीं होती, और यहाँ जो तनिषा है वो सामा को स्टोरी सुना सुना के दिमाग खा रही है। तनिषा की स्टोरी से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे हमारा खाने वाने के बाद फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया है। मुस्कान जो है वो अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रही है अशबा के साथ, और बाकी अब हम लोग बैठ गए हैं, सेल्फीज़ क्लिक हो रही हैं, बातें कर रहे हैं, यहाँ पे मुस्कान हाथ हिला रही है, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बस अब चाय का दौर चलेगा, डिनर सबका हो चुका है, माशाल्लाह खाना सबको पसंद आया, मैं अपने मुँह से नहीं कह रही, सबने तारीफ की है मेरी। और बस चाय मैं चढ़ा के आई हूँ, बाकी बस आप बने रहें, जब रात की मैं क्लीनिंग करूँगी तब भी आपको दिखाऊँगी। गेस्ट जा चुके हैं, यहाँ पर जो है ये टोकरा ओपन कर रहे हैं, चचा ससुर लेकर आए हैं, मुस्कान की तरफ से मुस्कान के सास जो हैं केक वगैरह लाई थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाई थी, सब माशाल्लाह कुछ ना कुछ लेकर ही आए थे, और यहाँ पे बच्चे ओपन कर रहे हैं, गेस्ट जा चुके हैं। हाँ साहब करो खोलो, माशाल्लाह से ये मेरे चचा ससुर जो है ना वो लेकर आए, नहीं इसको नहीं हटाओ, बस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, इसको मैं यहाँ लगा दूँगी ऊपर। ये बज रहे हैं 3 और मेहमान तो हैं 2:15 के करीब चले गए थे, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था, बातें शातें करते करते टाइम ही नहीं पता चला। यहाँ अजबा कह रही मम्मा मुझे ब्लर कर दें, मम्मा मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मुझे ब्लर कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है अभी थकावट के मारे बस कपड़े वपड़े चेंज करके मैं ऐसे ही बैठ गई। तो छुपा रही है अपने आप को, मैं ये दिखा रही हूँ कि हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, 3 बज रहे हैं, मम्मा भी स्कूल के बच्चे देखते हैं मुझे, मैं इसकी वॉइस सुनाती हूँ। लोगों ने भी खाया खाना खाया अभी हम लोगों ने, और अभी बर्तन जो है वो क्लीनिंग करने हैं, तो मैं करके ही सोऊंगी, सुबह पहने डालूंगी, और ये वाला तो किचन से सिमटा हुआ ये वहाँ है सारे बर्तन, तो अभी ये सब समेट के फटाफट बर्तन धोऊंगी फिर ही लेटूंगी, वरना मुझे नींद ही नहीं आएगी, ख्वाब में मुझे बर्तन नज़र आ रहे होंगे कि मुझे बर्तन वॉश करने, तो उससे सारा काम निपटा के अभी चाय पी थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ, अब जाके फटाफट से सारे बर्तन धोऊंगी, और फिर मेरे ख्याल से आज तो नहीं व्लॉग को मैं एडिट कर पाऊँगी, क्योंकि कल संडे हस्बैंड घर में होंगे, सर्वर घर पर होंगे, और फिर बच्चे भी हैं, तो फिर
अगर कल रात में एडिट किया तो फिर परसों मैं करूँगी अपलोड इसको पब्लिश। देखिए कब करती हूँ, जब भी होगा आपके सामने होगा। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत इन्जॉय किया, सबके चेहरों पर बहुत खुशी थी जाते हुए, मतलब सब बहुत खुश थे दावत से, सब ने ये कहा बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो बस सब खुश हो जाए, यही दावत जो है वसूल हो जाती है, मेहनत वसूल हो जाती है। और बाकी ये है कि जो दामाद है हमारा, उसको खाना बहुत पसंद आया और माशाल्लाह कहता है कि रेसिपी ज़रूर बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं रेसिपी उसको ज़रूर बता दूँगी। बाकी ये है कि आपने पूरा देखा मेरा व्लॉग, घर की सफाई से लेके वीडियो के डिनर तक, डिनर के बाद बस मैं बता नहीं पाई, जब सब लोग जा रहे थे सबको मैं बाय कर रही थी। और बस ठीक है, यही था मेरा व्लॉग। पसंद आया तो पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 इसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ बज रहे हैं रात के पूरे 4:15, और ये सारे बर्तन मैंने वॉश करके रख दिए हैं, बाहर वाले किचन में वॉश किए थे, वॉश करने के बाद यहाँ पर ला के रख दिए हैं ताकि ये ड्राई हो जाएँ। तो फिर सुबह जो है मैं इनको जगह पर रखूँगी, और 4:15 हो रहे हैं तो अब ये बस लेटूंगी थोड़ी देर और सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि अगर मैं सो गई तो फिर फजर के वक्त मेरी बिल्कुल भी आंख नहीं खुलेगी चाहे कितना ही अलार्म बजता रहे। इसलिए अब जागती रहूंगी, 2 घंटे की बात है, क्योंकि 5:30 बजे मैं वैसे ही शाज़िम को उठा लेती हूँ स्कूल के लिए। तो शाज़िम तो खैर जल्दी सो गए थे, बाकी ये है तो शाज़िम को भी उठा लेती हूँ मैं 5:30 बजे, और फिर बच्चियों को भी उठा लेती हूँ मैं। इस वक्त जो है फजर के बाद हम लोग सब नमाज़ के साथ पढ़ लेते हैं, तो इसलिए मैं सोऊंगी नहीं, जागती रहूँगी। यार यहाँ देख सकते हैं हम, माशाल्लाह देवरानी जिठानी का प्यार, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा, और ऐसी मोहब्बतें हमेशा कायम रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कुछ पिक्चर्स हैं ये मुस्कान ने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी, उसके पास और भी हैं वो मैं लेना भूल गई। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक ज़रूर कर देना यार वीडियो को, अल्लाह हाफिज़।